बहुत ठंड हो रही है आज तो भाई, आज ठंड हो रही है, इसी वजह से हम जा रहे हैं हिमाचल में। हाँ, हम जा रहे हैं हिमाचल में, सिरमौर में, हरिपुरधार के अंदर। मेरे साथ जा रहा है राजेश वर्मा और हम अभी निकले हैं थोड़ी लेट, क्योंकि वहाँ से इंफॉर्मेशन आई थी आसपास से कि स्नोफॉल होने के चांस है वहाँ पे, इसीलिए हम जा रहे हैं। क्या जी? हरिपुरधार। और इसने डालना है देखो, ये बिल्कुल कि ठंड ना लगे, बिल्कुल भी, बस ये देखो बिल्कुल भी। हम पूरा प्रोग्राम आगे का आपको दिखाता हूँ सीन में। ये जा रही है देखो, छोटे छोटे ट्रक जा रहे हैं आगे। अभी हम नाहन पहुंचने वाले हैं, नाहन हिमाचल में। अभी हिल स्टार्ट हुई है, बाकी देखते हैं फिर। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहले भी हरिपुरधार गए थे तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आज भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन उस टाइम हुई थी स्नोफॉल, लेकिन कम हुई थी, इसी वजह से हम आज निकले हैं। स्नोफॉल होगी आज, आज भी चांस पूरे हैं, चांस 50-50 है। तो 50-50 नहीं, 80-50 चांस है। ये पैसा मिले हमें, बड़े अच्छी नज़र लगी इनकी हमें। भाई आई एम फ्रॉम नाहन, माय नेम इज बंटी वेंस। बाय द चैनल शेयर एंड लाइक जरूर करें भाई जी। बहुत प्यारी सिटी घूम रहे हैं, बाकी जदों जदों भी तुसी शेयर करोगे भाई अपने मिलते रहोगे थानू। थैंक यू भाई साहब। अब हम नाहन से मुड़ चुके हैं जमटा की तरफ, अंधेरा हो चुका है पूरा। देखो लेपड़ भी आ सकता है, लेपड़। अंधेरा हो चुका है, अभी हम रेणुका जी पहुंचने वाले हैं और हमें नहीं पता था कि अंधेरा इतनी जल्दी हो जाएगा। 6:15 हो गए हैं अभी, रेणुका जी काफ़ी दूर है अभी यहाँ से। बोलना कुछ। अब हम पहुंचने वाले हैं हरिपुरधार। हरिपुरधार तो लेट पहुंचेंगे, लेकिन इतनी पहुंचेंगे हरिपुरधार, पहुंचेंगे, पहुंचने बिल्कुल पहुंचेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम लगी तो हम वहीं पे स्टे कर लेंगे कहीं पर रास्ते में, अगर बर्फ ना मिली ज़्यादा। बर्फ तो वहाँ पे है वैसे लग रहा है। चले फिर डिनर भी करना है, भूख लग रही है। कुछ नहीं खाया अभी तो, नैंगड़ से निकलने के बाद हमने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्या खिला दे कुछ यार, कुछ तो खिला दे कुछ, भूखा मार दिया। ये गाड़ी चल चुकी है हरिपुरधार की अब। हाँ, 7:56 हो चुके हैं और हम हरिपुरधार जा रहे हैं। और ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है और बारिश ही बारिश, बारिश हो रही है, फुल बारिश है इस टाइम। और हम स्लो स्लो जा रहे हैं क्योंकि आगे स्नोफॉल होने के चांस पूरे हैं। स्नोफॉल हो रही है आगे। हाँ, हरिपुरधार यहाँ से 10 किलोमीटर है अभी और लग रहा है कि स्नोफॉल होने के चांस है, क्योंकि क्योंकि जो बर्फ है ना वो स्लो स्लो गिर रही है। ओ माय गॉड, ये बर्फ है, ये बर्फ है, ये बर्फ है, ये बर्फ है, अरे बिल्कुल ये स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल अभी स्टार्ट हुई है, अभी अभी लाइव। अच्छा टाइम क्या हुआ है? 9:20 9:17 हो गए अभी और ये स्लो फॉल है वाकई, क्योंकि स्लो स्लो आ रही है। देखो ऊपर से दिख रहा है, फिर स्लो स्लो आ रही है। हाँ ये देखो उड़ के, मतलब है ना जैसे, देखो कैसे आ रही है, आप ध्यान से देखो, वो देखो जैसे ना अभी वो आ रहे हो, क्या बोलते हैं, रुई आ रही हो, रुई है ना। चलो आगे चलो, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। हरिपुरधार देख देख देख, हरिपुरधार जो है हम पहुंचने वाले थे, लेकिन यहाँ पे हेलीपैड पैड आया अभी, अब हेलीपैड के ऊपर जा रहे हैं हम। अब हेलीपैड के ऊपर जो जा रहे हैं, यहाँ पे पूरी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन स्लो जाना पड़ेगा। देखो आप, इसको बोलते हैं स्नोफॉल। ओ इतनी स्नोफॉल, ये देखो ये, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बर्फ। देखो आप, अभी हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है स्नोफॉल। मैं आपको बाहर दिखाता हूँ अभी, ये देखो ओनली हम यहाँ पे टूरिस्ट, ओनली हम हैं यहाँ पे जो यहाँ पे स्नोफॉल का एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे अभी। और पूरी
ये देखो नीचे नीचे देखो आप, ये देखो, ये देखो, देखो इतनी बर्फ पड़ी है यहाँ पे, ज्यादा बर्फ नहीं है लेकिन अभी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बर्फ है। ये देखो, ये देखो कैसे बर्फ आ रही है। तो स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहिए ना। देखो ऊपर भी बर्फ जम चुकी है पूरी, गाड़ी के ऊपर दिखाओ, गाड़ी के ऊपर भी देखो आप बर्फ जम चुकी है पूरी। ये नहीं देखो बर्फ गाड़ी के ऊपर, ये गाड़ी के ऊपर बर्फ है, ये गाड़ी के ऊपर देखो। तूफान चल रहा है यहाँ पे, तूफान तूफान चल रहा है बर्फ का। अरे इतनी स्नोफॉल हो रही है बाहर, तूफान चल रहा है पूरा। हेलो, और मैं रुकने की हालत में नहीं था बिल्कुल बाहर, इसलिए मुझे गाड़ी के अंदर आना पड़ा। ये देखो आप तूफान चल रहा है पूरा आगे ना, बर्फ का तूफान आ गया, तूफान आ रहा ना। हाँ बहुत ज्यादा। तो हम अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं कि काश हमारी फैमिली भी हमारे साथ होती यहाँ पे, लेकिन हम नहीं लेके आ पाए क्योंकि एकदम से प्रोग्राम बना और दिमाग में भी नहीं आया एकदम से। नहीं हम लेके आते जरूर हिमाली और माहिर को भी। रात का समय हो रहा है और सामने ऐसा लग रहा है जैसे दिन हो रहा हो, क्योंकि वाइट वाइट हो रहा है। देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और लाइव स्नोफॉल चल रही है। देखो आप, देखो देखो, एंजॉय करो। हम तो कर ही रहे हैं। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप? और हम इस टाइम हैं हिमाचल के अंदर, बर्फ पड़ी है पूरी, बार दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरी बर्फ पड़ी हुई है ना, बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको साथ में। राम राम जी, राम राम। फिर में मिलेंगे फिर अभी, और टेंपल जाने वाले हैं, देखते हैं भी रास्ता कैसे है आगे। अगर रास्ता कुछ ठीक हुआ तो हम टेम्पल तक जरूर पहुँचेंगे। जय माता दी। तो चाय पी रहे हैं गरम गरम सुबह सुबह। वहाँ थोड़ा वाइट हो रहा है चारों तरफ काला। ये एक गाड़ी आई है बस अभी ऊपर से, हरियाणा की गाड़ी है ये, लो चुके हैं बिल्कुल लाल। ये देखो जी गाड़ी का क्या हो रहा है। और ये हमें भाई साहब मिले हैं नैंगड़ से ही, दो तीन अपने फ्रेंड्स। भाई हम जा रहे हैं जी। माता भक्यानी देवी की दी है हमें रुकने के लिए, उसने क्या करें नीचे नीचे कर रहा ना। अच्छा कहाँ से आए थे? इधर से नैंगड़ साइड। अच्छा नैंगड़ से, हम भी तो नैंगड़ से हैं। चलो चलते हैं जी आगे, अभी एक ट्रक खड़ा है। बसें भी चल रही हैं देखो। ये देखो जी पूरी बर्फ पड़ी है चारों तरफ। ये जा रहा है ऊपर टेंपल की तरफ, और वो रास्ता जो है वो नीचे जो जा रहा है वो जा रहा है चुपाल की तरफ। पेस्ट वगैरह मिल जाएगा पेस्ट? हाँ जी 130 है वो बोलिए। अच्छा ये वाले आगे, ये दोनों लोकल है क्या? ठीक है। पेस्ट ब्रश और कंघी वगैरह हमने ले ली है। अल्टीमेट मौसम हो रहा है यहाँ पे, ठंड पानी खड़ा है पूरा यहाँ पे देखो। लो जी माता के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। शर्मा जी का यहाँ पे फूड कॉर्नर है, बड़ा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। जय भक्यानी माता की जय हो। देखो आप अभी आधे रास्ते तक आए हैं, वो देखो फकरा ने सब रब ते छड्या भाई ना फिक्र ना फाका ओ भाई यार ते नचना पैंदा है सामने हो यार ते नचना पैंदा है ये बीबा। मस्त ने मेरे दोस्त जड़े मस्त ने चना साहब दा बड़ा स्वागत करते आपा। इन्हां ने मैं भाई नु बोलिया सी भाई भाई आगे हजार इन्हां तो वापस आ गए, मैं पक्का मांगे मेरा मन से भाई नु मिलना पक्का।